चलो फिर आज ना हम क्लोई और टस्की का होममेड फूड बनाते हैं, जिसके लिए हमें लगेगा एक आलू और दो तीन चिकन के पीस, जिसको हमें अच्छे से बॉईल करना है। अब इसके बाद हम बनाएंगे थोड़ा सा राइस। अब ना मिक्सर में डाल दो उबला हुआ आलू, चिकन के पीसेस, राइस, और फ्लेवरिंग के लिए ना मैं इनका कैट फूड ऐड कर रही हूँ, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बस फिर तैयार है हमारा होममेड कैट फूड। अब सवाल ये है कि इसको हम फ्रिज में कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्सिममली ना इसको 10 दिन तक के स्टोर कर सकते, लेकिन मैं ना इसको 7 दिन से ज्यादा नहीं चलाती, तो उतना ही बनाओ जितना 7 डेज में खत्म हो जाए। अब इनके खाने को निकालते हैं प्लेट में और चलते हैं अपने बच्चों को खाना देने के लिए। टस्की तो भैया मस्त सोया था, लेकिन ना वो सिर्फ सूंघ के उठ गया है। टस्की को तो भाई ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब आप लोग भी ट्राई करो और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपके कैट्स को ये होममेड फूड कैसा लगा।